So today's topic about advantage and disadvantage of chat GPT. हम जो है चैट जीपीटी यूज करते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है? और जो सिविल इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो उसे चैट जीपीटी को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम आज के पीरियड के अंदर देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वेश्चन डालते हैं हम, डिजाइन कॉलम फॉर लोड 1500 किलोन्यूटन, उसे पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसे कॉलम हाइट 3 मीटर, 3 मीटर का कॉलम है, उसके ऊपर जो लोड 500 किलोन्यूटन लगने वाला है। तो कॉलम डिजाइन करने के लिए हमने इसे इंस्ट्रक्शन दिया, अब क्या करता है देखिए। अब ये जो है इसे डिजाइन नहीं करते हुए इसे बता रहा है क्या, उसे स्टेप क्या फॉलो करते हैं कॉलम डिजाइन के अंदर, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर हमें जो लोड लेना पड़ता है वो सब प्रोसीजर बता दिया उसने। एटलीस्ट उसने 7 स्टेप्स दिया है, लास्ट में उसे एक नोट भेजा है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द डिजाइन प्रोसेस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन कोड एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इन द यूर रीजन। इट्स रिकमेंडेड टू कंसल्ट द स्ट्रक्चरल इंजीनियर और रेफर टू रिलेवेंट डिजाइन कोड एंड स्टैंडर्ड फॉर डिटेल कैलकुलेशन एंड स्पेसिफिक डिजाइन रिकमेंडेशन। ओके, तो इसने यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताया है, क्या जो हम डिजाइन करने का बोल रहे हैं उसे 500 किलो न्यूटन का लोड और जो हाइट दे रहे हैं, तो ये जो है आप पूरी डिटेल भी डाल देंगे फिर भी ये आपको जो है यही क्वेश्चन देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे जो है हर रीजन भी चेंज होता है। ओके, आपने एक कोड रेफर कर लिया, वो कोड रेफर करने के बाद भी जो आपकी जो कंडीशन है ऑन साइट कंडीशन वो अलग रहती है, तो जो आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो वो ही आपको सही गाइड कर सकता है कि आपका जो कॉलम की साइज कितने रहेंगी और आपका कॉलम का डिजाइन क्या रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वो चैट जीपीटी खुद बोल रहा है कि आप जो है कंसल्ट कीजिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर से और वहाँ से वेरीफाई कीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन डालता हूँ बीम डिज़ाइन के बारे में, बीम डिज़ाइन फॉर मूमेंट 100 किलो न्यूटन मीटर, Fe 500, FC के 25, बीम डिजाइन करने के लिए हमने उसे कमांड दिया। अब यहाँ पे जो है बीम डिजाइन करने के लिए जो हमने कमांड दिया है, तो सेम प्रोसीजर वो बता रहा है, वो उसके जो पॉइंट्स है वो पॉइंट लिख के दे रहा है और लास्ट में एक चीज बोल दे रहा है, रिमेंबर द डिजाइन प्रोसेस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन कोड एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, इट इज रिकमेंडेड टू कंसल्ट द स्ट्रक्चरल इंजीनियर और रेफर टू रिलेवेंट डिजाइन कोड। सो यहाँ पे मैं एक ही बात आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है चैट जीपीटी जो एआई टूल खुद से सॉल्व करने वाला, वो सॉल्व करके दे सकता है प्रॉब्लम को, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? कि वो बोल रहा है कि आपको एक एक्सपर्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जो आपको सही राय दे सके, आप उससे ही उसको ही बता के काम कीजिए। क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है कि इसने कभी डिजाइन दे दिया और थोड़ा सा भी इसके अंदर चेंजेस आ गए, थोड़ा भी चेंज आ गया और स्ट्रक्चर आपका फेल हो गया, तो फेल होने की जिम्मेदारी एआई टूल खुद नहीं लेना चाहता। तो ये उन लोगों के लिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेक्चर, जो ये सोचते हैं कि डिज़ाइन करना इट्स वेरी सिंपल। जो हम रेगुलर स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कॉलम की साइज यूज़ करते हैं, जो बीम की साइज यूज़ करते हैं, हम भी वही यूज़ कर लेंगे। ऐसा नहीं है, आपको एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही बता सकता है कि वहाँ पे कॉलम की साइज, बीम की साइज कितना रहेंगे। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये एक बड़ा लिमिटेशन है और डिसएडवांटेज है एआई टूल का, जो कि हम इसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिज़ाइन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हम प्रोसीजर और कौन सी स्टेप हमारे डिज़ाइन में आती है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनल फाइनल डिज़ाइन नहीं देता है हमें। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।